नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि कल हम सभी लोगों ने देखा, कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस बना हुआ था और इसी दिन को देश के युवाओं ने बेरोजगार दिवस का नाम भी दिया। वही व्यक्ति जिस व्यक्ति को देश के करोड़ों लोग एक नायक की भूमिका के अंदर देखते थे, अब हम देख पा रहे हैं धीरे धीरे हर एक व्यक्ति के मन में वो नायक से खलनायक की भूमिका निभाते हुए पाए जा रहे हैं और धीरे धीरे व्यक्तियों के मन में उनके प्रति जो सम्मान बना हुआ था वो कम होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है, क्योंकि जो एक मन में भावना रखकर आपको जिस पद पर बैठाया गया, यदि वो आप एक्सपेक्टेशन व्यक्तियों की पूरी नहीं करते हैं तो नायक को खलनायक बनने में समय नहीं लगता। हमारे देश की जीडीपी इकोनॉमी निरंतर गिरती जा रही है, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पढ़े लिखे लोग बाग अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहे हैं। कोविड की स्थिति को लोगों के सामने प्रदर्शित कर डराकर धीरे धीरे अपनी कमियों को छुपाते जा रहे हैं। और मीडिया, तो मीडिया के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, पैसा फेंक और तमाशा देख जैसी स्थिति बनी हुई है, उनको किसी स्थिति से कोई मतलब ही नहीं है। वो जिसका पैसा जा रहा है, जिसका खा रहे हैं, उसका बजा रहे हैं, ये स्थिति आप सभी लोग जानते हैं। अब पिछले समय से आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, किंतु यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मैं किसी भी पक्ष में नहीं बना हुआ हूं। ये ग्रह युगों की स्थितियां हैं मित्रों, जो व्यक्ति को एक नायक को खलनायक बनवा देती है, यही आज आपको बताने जा रहा हूं। बड़े सूक्ष्म शब्दों के अंदर बहुत ही सटीक फलादेश आपको देने जा रहा हूं, जिसे आगामी समय में आप सत्य होता हुआ पाएंगे। यहां मोदी जी जब भी लाइव आ रहे हैं तो कुछ इस प्रकार के व्यंगात्मक स्थितियों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो लोगों को और हेटफुली बना रहे हैं। बेरोजगार लोगों को लिए बोल रहे हैं समोसा कचोरी बेच लो, कुत्ते पाल लो, लोग जो महिलाएं हैं उनके लिए बोल रहे हैं झाड़ू बेच लो। इस प्रकार की स्थिति बनाने के लिए किसी व्यक्ति ने इनको प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठाया है। अब यहां प्रश्न बनता है, मैं एक ज्योतिष आचार्य हूं और ज्योतिष के माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचाऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होगा, यही मेरा परम कर्तव्य बना हुआ है। वर्तमान समय में इनको चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो कि 15 डिग्री का बना हुआ है, और शुक्र वृश्चिक लग्न की कुंडली में कुंडली का मारक ग्रह होता है, अति मारक होता है। सप्तम भाव का हाउस का मालिक है और द्वादश भाव का मालिक है, जो कि इनके कर्म भाव में जाकर बैठ गया है। यहां पर इनका कर्म ये व्यय स्थान के ऊपर खर्च करते हुए पाए जा रहे हैं और जो दृष्टि जा रही है वो जनता के भाव पर जा रही है। ऐसी स्थिति में मारक ग्रह की जनता पर दृष्टि जाना, ये व्यक्ति को प्रशंसा की स्थितियों के अंदर नीचा दिखाती हुई पाई जाती है। इनके कर्म क्षेत्र में इनके द्वारा ही कुछ इस प्रकार की गलत गतिविधियां करते हुए पाए जाएंगे, जहां पर इनके लिए आगामी समय में और समस्याएं प्रारंभ होगी, और समस्याएं आकर खड़ी होगी, और धीरे धीरे कर जो प्रशंसा इन्होंने लोगों के मन में बनाई है, जो एक छवि लोगों के मन में बनाई है, वो गिरते हुए आप देख पाएंगे। यहां पर इनको जो चंद्रमा में शुक्र का अंतर प्रारंभ हुआ है, ये 30/9/2019 से प्रारंभ हुआ है और 30/5/2021 तक चलने वाला है। 30/5/2021 तक यदि इन्होंने जनता की नहीं सुनी, तो यहां मैं आपको स्पष्टीकरण के अंदर बताना चाह रहा हूं, इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा इनके लिए लोगों के मन में बन जाएगी कि आगामी समय के अंदर ये किसी भी स्थिति में अपनी वापस वो छवि पाने के अंदर बहुत ही समस्याओं का सामना करते हुए पाए जाएंगे। यहां शुक्र जनता भाव को देख रहा है और जनता बहुत समझदार है, इसकी सबसे बड़ी भूल ये व्यक्ति करते हुए पाए जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति आज के समय में बड़ा समझदार है, कोई भी व्यक्ति को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान नहीं होता, और ऐसी स्थिति में जो नकारात्मक स्थितियां ग्रह गोचरी अवस्था के अनुसार बनी हुई है, ऐसी अवस्था में 30/5/2021 से पहले यदि इन्होंने आम जनता के मुद्दे नहीं सुलझाए, तो मैं आपको निसंकोच कह सकता हूं आगामी समय का जो चुनावी समय आ रहा है वहां पर जाकर इनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किंतु ये बात भी हमको नहीं भूलनी चाहिए कि यही एक वो व्यक्ति है जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर चुका है और आगामी समय में भी करेगा, किंतु अभी का जो समय बना हुआ है ये इनके पक्ष में नहीं चल रहा है। ऐसे में यदि आपके लिए संभवत हो तो 30/5/2021 यहां तक के समय का आपको इंतजार करना चाहिए,
उसके पश्चात आप स्वयं देखेंगे इस व्यक्ति के द्वारा जो गतिविधियां की जाएगी ये हर स्थिति आम जनता के लिए पूर्ण रूप से फेवर में बनकर आएगी। ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताकर जा रहा हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।